मोमिना की वीडियो आ गई, वो वाली वीडियो जो आज से 4 दिन पहले क्लीनिंग वाली, डीप क्लीनिंग वाली, गंदे कंबोर्ड वाली वीडियो बनाई गई थी, उसके बाद वो वीडियो आज आई है। यानी ये एक दिन में वापस आई या 4 दिन वहाँ गुजार के वापस आई। बहुत ज़रूरी काम था, लेकिन वो काम तो हमें वीडियो में कहीं पे भी नज़र नहीं आया। आज वाली वीडियो देखने के बाद लोगों ने एज़ यूजुअल कहना शुरू कर दिया, समीना की कॉपी कर ली। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, अगर समीना की कॉपी की ही थी तो फिर ये अय्याशिया क्यों की? समीना तो इतनी अय्याशी करती नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बात करेंगे आज नए घर में, पूरा दिन स्पेंड किया हमने, ठीक है, नए घर में। कौन कहता है? भाभी मोमिना और इनकी अम्मी हजूर कहती हैं जब ये घर वापस आती हैं कि वो काम करवा लिए जो करवाने के लिए तुम लोग रुके थे। यही कहा था मोमिना ने अपने 4 दिन पहले वाले व्लॉग में कि कुछ ज़रूरी काम है, अगले दिन हमें वो करवाने हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। काम तो हमें कहीं नज़र नहीं आए, हाँ अय्याशियाँ ज़रूर नज़र आई हैं। पहले तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जो लोग ये देखने के बाद कह रहे हैं कि समीना की कॉपी की है, तो यहाँ पे मैं उनको ये कहना चाहूँगी, पूरी तरह से आपने समीना की कॉपी नहीं की। वो कैसे कि समीना तो जर्मनी गई है, आप तो वहीं पाकिस्तान की पाकिस्तान में है। सेकंड चीज़ कि समीना जो है वहाँ पे अगर घर के काम करती है, सफाई करती है, जो कुछ भी करती है, लेकिन खाना वो घर में खुद बनाती है। बहुत कम, शादिर और नादिर हमने ऐसा देखा है कि बाहर से कोई पिज्ज़ा ऑर्डर कर लिया या फिर कोई कभी कभी बाहर खाना खाने चले गई, वरना ज़्यादातर जो है समीना अपने हाथ से खाना घर में बनाती है। ये कैसा पूरा दिन स्पेंड किया, ना ही घर में कोई तरीके का खाना बनाना कुछ, बल्कि उल्टा मोमिना जी अय्याशियाँ करती हुई वापस आ गई। और ऊपर से मोमिना भाभी कहती हैं, जब व्लॉग का एंड चल रहा होता है, जब ये प्लेटर श्लेटर खाने जाती हैं, तो वापसी में कहती हैं कि घर का खाना खाते खाते इंसान बोर हो जाता है, बहुत दिनों के बाद हमने जो है बाहर का खाना खाया, बहुत मज़ा आया। कितना आप लोग झूठ बोलते हैं, अभी तो आप लोग इतने दिनों का टूर करके आए हैं, सारा खाना आप लोगों ने बाहर ही खाया था या किसी और ने वहाँ पे आपको घर के खाने बना के खिलाए थे। वापस आने के बाद भी बाहर खापे शापे, 4 दिन पहले जो वीडियो आई डीप क्लीनिंग वाली, सफाई करते ही इतनी डीप क्लीनिंग कर ली थी कि सारी की सारी एनर्जी इनकी ख़त्म हो गई थी। उसके लिए इनके गोलगप्पे, दही भल्ले, तो फलानी चीज़, तो जिंगर बर्गर, तो इनको खाने थे, वो ये खाकर आए, तो वो भी क्या घर के थे जो इतने दिनों के बाद इन्होंने बाहर का खाना खाया। कुछ झूठ कम बोला करो। आप लोगों के कंटेंट में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें नज़र आती हैं, शॉपिंग, खाना पीना और एक दूसरे को टॉन्ट करना। बिलाल के बारे में सब तो बोलते हैं कि बिलाल ऐसा बेटा निकला, बिलाल माँ को छोड़ के चला गया, बिलाल क्यों चला गया। यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि समीना और बिलाल अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए यहाँ से दूसरे मुल्क गए। जाहिर सी बात है, आजकल के पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, और जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी है वो उसको फ़ौरन से गेन करेगा, फ़ौरन से उसको पिक करेगा और वो चीज़ कर लेगा। जाहिर सी बात है, कौन छोड़ता है ये अपॉर्चुनिटी। लेकिन अली भाई कौन सा मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जो अली भाई को अकेले रहना, रात वहाँ गुजारना बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग ये कहते हैं कि जो मतलब बेटे हैं, भाई जो हैं, वो किससे परेशान हैं। जाहिर सी बात है, एक अदद हमारी प्यारी सी आयशा बाजी, जिनसे ये दोनों परेशान हैं, एक परेशान होकर चले गए और दूसरे भाई को बहुत खुशी हुई और उन्होंने दिल की बात अपनी ज़बान पे ला के रख दी कि मेरा दिल चाह रहा था मैं अब यहीं पर रहूँ। जाहिर सी बात है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई लड़ने वाला नहीं, कोई टॉन्ट करने वाला नहीं, और जैसा कमरे का हाल रखा हुआ वैसे ही घर इनको यहाँ पे मिलेगा। इतनी इतनी मेहनत करनी थी इन्होंने, बहुत मोमिना ने ज़रूरी काम करना था जो कि हमें कहीं से भी नज़र नहीं है। अगर आपको नज़र आया हो वो ज़रूरी काम तो आप दिखा दीजिएगा। ऐसा भी कौन सा ज़रूरी काम था कि जिसमें किसी नंद को अपने साथ नहीं रख सकती थी, या ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था कि उसके लिए इतनी खिज्जल ख्वारी उठाई, मतलब खुद भी औरत होकर रुकी, बच्चों को भी रखा। भाई सच बताएं, वो पंखे वंखे लाइटें वाइटें सही करवानी थी, जो आंटी कह रही थी कि वो काम करवा लिया, तो उसके लिए मेरे ख्याल में खातून और बच्चों की वहाँ ज़रूरत नहीं थी। अली भाई अकेले रह के भी वहाँ काम करवा सकते थे, जब बाहर का ही सारा खाना था, बाहर का ही नाश्ते कुलचे ये वो खाना था, तो फिर आपकी क्या ज़रूरत थी? चाय भी अली भाई से बनवाई,
तो बर्तन भी अली भाई अपने खुद ही धो लेते। बच्चों को लेके गए, पार्क भी दिखाया, घूमना फिरना भी। असल जो वजह थी ना, जो आप लोगों ने फील किया वो ही मैंने फील किया कि यहाँ पे समीना की कॉपी की जा रही है। यानी समीना जब शिफ्ट हुई थी तो आपने देखा था कि वो लोग ज़मीन पर सोए थे और उनके लिए पहला दिन बहुत टफ गुजरा था, पहले 2-3 दिन। लेकिन वो तो बाहर मुल्क था, आपको ऐसी कौन सी परेशानी आई थी, ऐसी कौन सी ज़रूरत थी कि आपको यहाँ पे रुकना था? बकौल आपके कि अब हमने थोड़ी वहाँ पे जाना है, जाहिर सी बात है अब आप ये वाला घर थोड़ी छोड़ के जा सकते हैं, वहाँ से किराया लगा हो यहाँ से आप जा सकते हैं, ऐसा कोई कर सकता है? कल वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आए। एक कमेंट मुझे ऐसा आया कि इस वीडियो से प्रूव होता है कि जो कल आयशा ने अपने दिल की बात वीडियो में बोली थी कि समीना वर्सेस मोमिना आपको कौन पसंद है, तो उन्होंने मतलब यूं इशारे करके मतलब मोमिना, तो वो बेसिकली इस जो व्लॉग था ना उसका मेन पार्ट ही ये था। यानी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये व्लॉग बनाया ही इस बेस पे गया था कि जहाँ पे आयशा अपने फेवरेट बंदे की फेवरेटिज्म दिखाए कि भाई मेरी फेवरेट भाभी कौन है बेसिकली। और कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने नोट किया होगा कि व्लॉग तो दोनों का था, दोनों के चैनल पे एक व्लॉग था, लेकिन सबसे ज़्यादा जवाब जो है वो कौन दे रहा था? आयशा दे रही थी। मोमिना तो ऐसा लग रहा था बेजारी के आलम में बैठी है, किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा दिया है, कोई मजबूरी का आलम है और कुछ बेजार बेजार बंदा होता है ना, और अपनी ही तारीफ़ें किए जा रही हैं। अगर देखा जाए तो बार बार अपनी ही दोनों ये तारीफ़ें किए जा रही। सबसे ज़्यादा आयशा अपना वो कहते हैं ना मियाँ मिट्ठू बनना, वो बनी बैठी हुई थी। तो ये है इन लोगों का हाल, मतलब इन लोगों के ये जो 2-3 व्लॉग्स आए हैं ना, इनका मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि ये क्या था। मतलब ये लोग दूसरों को कॉपी करते करते ये नहीं सोचते कि क्या ये व्लॉग हमारे ऊपर सूट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन आज वाला ब्लॉग देखने के बाद मुझे कहीं से भी ये फील नहीं हुआ कि ये किसी काम के लिए वहाँ पे रुकी थी। किसी ने इनके चैनल पे यहाँ तक के कमेंट किए हुए थे कि तुम्हें सिर्फ यहाँ पे अय्याशियों के लिए बेसिकली रुकना था, समीना की कॉपी करनी थी, इसीलिए ब्लॉग बनाने के लिए तुम यहाँ रुकी थी, कोई ज़रूरी ऐसा काम नहीं था, अगर होता तो वीडियो में नज़र आता, क्योंकि तुम लोग तो एक छोटे से वाइपर बाथरूम के कमबोर्ड से ले के एक खाने की दावत तक के ब्लॉग्स को मिस नहीं करते हो, एक बच्ची के कपड़े तक यानी वो हेल्पर को कपड़े दिलाने तक के जो तुम लोगों वो मिस नहीं करते हो, तो फिर तुम लोग इतना बड़ा कंटेंट कैसे मिस कर सकते थे? अदरवाइज यानी कहने की बात ये है कि कुछ था ही नहीं बेसिकली। ये दोनों मियाँ बीवी बच्चों समेत यहाँ रुके ही कॉपी करने के लिए थे। तो कॉपी करनी थी तो सही से कॉपी करते, मज़ा भी आता, थोड़ी सफाई और करके दिखाते, थोड़ा खाना वाना भी घर में खुद बना लेते, सब्ज़ी वाले भी थे वहाँ, सब्ज़ी लाके कोई सब्ज़ी बना लेते, चावल बना लेते, कोई घर का खाना बना लेते। जब बर्तन भी लेकर गए हुए थे, चूल्हा भी लेकर गए हुए थे, तो फिर पूरी नकल करते ना तब मज़ा आता। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, जो मुझे इनके भाई अली की बातों से फील हुआ है कि लोग जानबूझ के बस बिलाल को ताना देते हैं कि बिलाल समीना बिलाल को छीन के यहाँ से ले गई, समीना बिलाल को छीन के ले गई। बेसिकली इनके घर के जो मर्द हैं ना वो खुद ही इन बहनों से मेरे ख्याल में बेजार है, बहनों से नहीं बहन से। तो इनमें कोई किसी भाई की मेरे ख्याल में गलती नहीं है, गलत कौन है वो आपको और मुझे हम सबको पता है। मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।